आज हम खेलने वाले इंडियन बाइक्स ड्राइविंग थ्योरी एक जियांट प्लेयर बनकर और इसकी सुपर पावर्स को भी टेस्ट करने वाले। सो लेट्स गो। ओके गाइस, शुरू करते हैं इस इंटरेस्टिंग मोड को, जियांट प्लेयर मोड। लिटरली गाइस, इसमें बहुत ही ज़्यादा मजा आने वाला। अपनी साइज अभी नॉर्मल है, इससे अपनी साइज मान लो आप 10x हो जाएगी और भी ज़्यादा। वेट किल द किलर स्पाइन, वेट अभी भी स्नेक्स आ चुके। अबे भाई ये कौन से नंबर, भाई ये तो आकर डायरेक्ट मारने लगा। रुको भाई, जल्दी से मारना पड़ेगा इसको। अबे मरता क्यों नहीं भाई, इसके पास पता नहीं कोई से एक वेपन है भाई, एक कोई त्रिशूल टाइप का कुछ तो वेपन है जिसे अपने मार रहा है। चलो भाई, अबे काफ़ी कमज़ोर है भाई, ये एक ही में मर गया। वैसे देखो भाई, जस्ट हम यहाँ पर एक आरपीजी चला और मर चुके, और एक में हम एक ही बार में 3-4 को तो मार दिया। और ये रेड कलर के कुछ ज़्यादा डेंजर लग रही है। देखो इनके हाथों में त्रिशूल भाला, पता नहीं क्या चीज़ें इनसे अटैक करते। और एक भाई बाहर निकल गया, रुको इसको मारता हूँ मैं। अबे मर जा भाई, पता नहीं क्या ही अलग सीन है। इसके हाथों में पता नहीं ये क्या कौन से वेपन है, काफ़ी ज़्यादा डैमेज दे रहे अपने को। वेल गाइस, चलिए अपना मिशन अभी डन हुआ या फिर नहीं, अभी अभी वेट और भी स्पॉन हो चुके। अरे नहीं भाई, और कितने सारे स्पॉन होंगे। रुको इनको सबको आरपीजी से ढेर करता हूँ भाई। एक बार में 3 मरे, एक बार में फिर से 3 मरे, एंड इनको भाई एक बार में 2 मर चुके। एंड AKM से मार कर ट्राई करते भाई, आरपीजी से तो एक बार में 2-3। ओबे वेट, आरपीजी से ही मरते हैं, मतलब ये AKM से तो मरना एक टाइप से। देखो इतना ज़्यादा पास में आ चुका, एक बार फिर से मैं ट्राई करता हूँ पूरा फुल। भाई साहब AKM का डैमेज बहुत ही ज़्यादा कम इनके सामने भाई, लिटरली आरपीजी से मरेंगे नहीं तो नहीं मरेंगे। चलो भाई इसको मर जाओ भाई, मेरी हेल्थ काफ़ी कम। अबे शिट, अच्छा वो भी मर चुका है, तो मिशन डन हो गया फिर नहीं भाई, पता नहीं भाई अलग ही सीन हो चुका है। लेकिन आई होप यहाँ पर मिशन डन हो जाए तो बेटर रहेगा, नहीं तो फिर से रिस्टार्ट करना पड़ेगा भाई। ऑल राइट, किल द जियांट मॉन्स्टर। ओ शिट ब्रो, ये क्या चीज़ है अभी, इतना बड़ा जियांट। एक नहीं भाई, दो भाई, दोनों एक साथ अटैक करे भाई, मैं क्या करूँ अभी। मेरे पास जस्ट एक बाइक है, एंड यस मेरे पास वेपन्स भी है। लेकिन गाइस अगर मैं रोक कर इनको मारने लगा तो डायरेक्ट आकर मेरे ऊपर अटैक करेंगे, और मेरे को इनको देख कर लग रहा कि इनका एक ही अटैक इनफ होगा भाई। साइज देखो एक बार इनकी, भाई कितना स्पीड में भाग कर आ रहे। नॉर्मल जो जैसे पुलिस वाले आते ना अपने पीछे पड़ते तो काफ़ी स्लो आते, एंड इवन डायनासोर भी अपने पीछे अगर जुरासिक पार्क में जाते पड़ते तो वो भी काफ़ी स्लो चलते, लेकिन इनकी स्पीड बहुत ही ज़्यादा तेज़ है भाई। मेरे को जल्दी से कहीं ना स्पीड में जाकर एकदम से बाइक रोक कर इनको मारना पड़ेगा, नहीं तो भाई ये मिशन हम डन भी तो नहीं कर पाएंगे। वेल गाइस, अगर इस जगह पर मैं अगर बाइक रोकूंगा तो मेरे को लग रहा है भाई ये अपने ऊपर 100% अटैक करेंगे। तो सामने गाइस मेरे पास एक मस्त प्लान है, मेरे पास वो देखो जस्ट अपने सामने एक रैंप है, मैं उसके ऊपर चले जाता हूँ एंड वहाँ से इनको मारने की ट्राई करेंगे। चलो रैंप के ऊपर चढ़ चुके हैं यहाँ पर हम, एंड दोनों खतरनाक तरीके से आ रहे हैं। अभी देखते हैं ये रैंप के ऊपर ना आए बस, और यहाँ से मस्त तरीके से मार पाओ इनको। लेट्स गो, रैंप के ऊपर आए, अभी आ मत जाना। ओके नहीं आए, ले भाई अभी तो हम इसको इजीली मार पाएंगे। अभी बताओ बेटा कौन यहाँ, अगर रैंप कर कोई भी मॉन्स्टर हो, चाहे वो स्नेक मॉन्स्टर हो, चाहे वो गोरिल्ला टाइप के मॉन्स्टर हो, अगर वो ऊपर नहीं आ रहे तो हम 100% सेफ है। लेकिन ये भाई डर कर अंदर क्यों भागते चले गए। रुको भाई, इनका स्वागत करना पड़ेगा मेरे को। रुको अभी थोड़ा सा मैं नीचे चलता हूँ, एंड अभी भाई एक दिख चुका, AKM से मारने की ट्राई करते हैं भाई। AKM लिटरली भाई इनके सामने, ये एक तो स्नेक के भी सामने फीकी पड़ रही थी, और अभी ये जियांट मॉन्स्टर है गोरिल्ला टाइप की, इनके सामने भी फीकी पड़ रही है भाई। ये AKM मतलब काफ़ी कम डैमेज दे रही है इनके सामने भाई। अबे आर पार निकल गया, रुको इसको मारता हूँ भाई। आर पार ही मार दिया क्या मैंने, वेट। अबे यस भाई, आर पार मर चुका है, नहीं अभी नहीं मरा। ओ भाई ये देखो भाई कितना ज़्यादा डेंजर भाई, पूरा यहाँ पर ये रैंप फाड़ कर बाहर निकल रहा भाई, ये तो अलग ही लेवल का है। रुको आई थिंक मैंने एक तो आई थिंक मर चुका है, यस एक मर चुका है, यानी एक और भाई मर जाना प्लीज़। ओ वेट, अभी मैं फिर से मर गया भाई। यार ये कौन से दिन में शुरू कर दिया मैंने भाई, स्टार्टिंग में मर गया फिर से मर गया। बस होप ये मिशन हो जाए, लेट्स सी। ओके गाइस, अपना हो चुका है मिशन भाई, टेंशन की बात नहीं है। लेट्स गो, अभी देखते नेक्स्ट मिशन क्या होने वाला है। तो अभी ना अपने को ये फाइंड करना है, वेट अभी इसका जैकेट, इसका शरीर, पता नहीं इसका धड़ बॉडी क्या है, इसको पानी में जाकर फाइंड करना है। ओके भाई, अभी मेरे को समझ में आ चुका इनका कॉन्सेप्ट क्या होने वाला है। तो हमने पहले अपने को ट्रेन कर रहे थे कि हम उस काबिल बन पाए कि हम अपनी शक्तियों को बढ़ा पाए, यानी अभी आपने जो स्टार्टिंग में देखा वो 2-3 मिशन करें, वो अभी अपनी टेस्ट हो रहा था। अभी हम जाएंगे और चीज़ें ढूंढ कर लाएंगे इस प्लेयर से रिलेटेड चीज़ें, जैसे कि अभी इसका बॉडी है तो वो ढूंढ कर अपने को लानी है, एंड फिर ऐसे 3-4 कुछ चीज़ें होगी शायद से, और उनको असेंबल करेंगे और फिर हम बन पाएंगे इसका 10x इवन 20x साइज बड़ा प्लेयर। ये देखो गाइस मेरे को मिल चुका है यहाँ पर, ये यहीं पर रख रखा है। तो चलो इसको हमने ले लिया है, अभी जल्दी से चलते अपनी बाइक को उठाते एंड अभी बाहर निकलते हैं यहाँ से। तो इसका ऊपर का जो मतलब बॉडी पार्ट था ये, तो बॉडी अपने को मिल चुकी है। अभी शायद से मेरे को लगा और भी दूसरे पार्ट्स होंगे इसके। अबे वेट, अभी यहाँ पर कैसे तेरा भाई, ये क्या इसके में भाई।
अबे नॉर्मल पानी के अंदर तो तैरता है लेकिन ये जमीन पर तैर रहा है भाई, अलग ही प्राणी है भाई। अभी देखते, अभी तो नहीं तैर, अभी फिर से तैर रहा है भाई। अबे लगता है फिर से मेरे को पानी में जाकर आना पड़ेगा, तो ये नॉर्मल होगा भाई, अलग ही ग्लिच वगैरह होते रहते। वैसे आपको ये ग्लिच पता था या फिर ने कॉमेंट में यस नो करके बताना। वेल लेट्स गो, अभी देखते नेक्स्ट। ओ वेट भाई, ये तो इसका सिर है एंड ट्रेन की पटरी पर रख रखा है भाई। क्या मतलब, अगर वो ट्रेन इसको कुचल कर चली जाएगी तो फिर अपने को सिर भी नहीं मिलेगा और ये चैलेंज हम बहुत ही बुरी तरीके से हार जाएंगे। वेट भाई, जल्दी से मैं ट्रेन की पटरियों पर चलता हूँ। एंड गाइस आपने एक चीज़ नोटिस करी भाई, ट्रेन की पटरी पूरी पूरी साइज पर रख रखा है वो। आपने देखो ट्रेन के 2 से 3 ट्रैक है और एक ट्रैक पर अपनी ट्रेन चलती है, लेकिन उसने पूरा ट्रैक कवर कर रखा है, तीनों ट्रैक। भाई सोचो कितना ज़्यादा बड़ा जियांट हेड है वो भाई। इस मेरे को लग रहा है 10x नहीं, इस प्लेयर की अभी जो हम खेल रहे हैं इसकी 100x साइज हो जाएगी, पता नहीं भाई अलग ही रहने वाला भाई, मजा आना भाई। आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया, लाइक करके सब्सक्राइब कर देना, मजा आएगा आपको भी। वेल गाइस यहाँ पर मैं आ चुका गाइस, यहाँ पर देखो अपनी ट्रेन इस सबसे जो राइट साइड में नहीं लेफ्ट साइड में वहाँ पर चलती है, मेरे को मिल चुका है यहाँ पर। ये देखिए इतना ज़्यादा बड़ा है भाई, ये लिटरली पूरी इस ट्रैक पर आ रहा है भाई, बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। चलो इसको मैं इक्विप कर लिया यहाँ पर, तो चलिए गाइस अभी नेक्स्ट। अभी इसके पेयर है ये, ओ शिट, अभी पेयर अपने को जाकर ढूंढने। एंड यस ये जगह तो मेरे को पता है भाई, अभी जल्दी से चलते यहाँ पर। एंड अभी हम जाने वाले उसी वाली लोकेशन पर और इसके पेयरों को भी कलेक्ट करते। तो टोटल कितनी चीज़ हो चुकी, सबसे पहले इसका दड़ हमने कलेक्ट करा था यानी कि बॉडी पार्ट, बॉडी हो चुका। उसके बाद इसका सिर यानी बॉडी से सिर तक इसका असेंबल हो चुका पूरा शरीर। अभी इसके नीचे पाँव चाहिए, तो पाँव तो आई थिंक लास्ट होने चाहिए, उसके बाद तो आई थिंक पूरा डन हो जाएगा अपना। लेट्स सी गाइस, जल्दी से मैं उस वाली बिल्डिंग के ऊपर चलता हूँ जहाँ पर ये रख रखा है। तब तक गाइस छोटी सी रिक्वेस्ट है गाइस, वीडियो को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, बहुत मेहनत लगती है। ओके गाइस यार यहाँ पर मैं डायरेक्ट ऊपर आ चुका हूँ। एंड भाई धीरे से चलते। एंड गाइस अभी ना हम नॉर्मल इस साइड से जा सकते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये लगा रखा है, यहाँ पर रैंप्स वगैरह, तो ये तो नॉर्मल है। लेकिन गाइस यहाँ पर एक रैंप लगा रखा है, इससे जंप करके हम वहाँ तक जा सकते हैं। यहाँ पर लगा रखा है तो हम ऐसा तो कुछ होगा शायद वहाँ पर हम जा पाए, तो लेट्स गो गाइस हम ट्राई करते हैं। तो यहाँ पर अभी चलते हैं एंड लेट्स गो। यहाँ पर जंप मैंने लगा दिया, लेकिन क्या हम वहाँ पर जा पाएंगे भाई? लगता तो नहीं है भाई, मेरे को सामने यहाँ पर जाना, वो जो आपको कंटेनर दिख रहा है ना रेड एंड ब्लू, वहाँ तक जाना है, जो कि मेरे को पॉसिबल तो नहीं लग रहा है। लेकिन गाइस हम फ्लिप मारकर शायद आ सकते हैं भाई, एक बार फिर से ट्राई करते हैं। ओके गाइस यहाँ से एक बार फिर से जंप लगाते हैं। एंड मेरे को मल्टीपल फ्लिप्स लगानी पड़ेगी, एक फ्लिप लगा ली, बैक फ्लिप, एक और यहाँ पर, एंड शायद मैं जा पाऊँ वहाँ पर भाई। फ्लिप लगाने से ना ये ऑटोमेटिक हवा में उड़ने लग जाते। अरे भाई ये कुछ ज़्यादा उड़ चुका है, अबे नहीं इतना नहीं उड़ना था यार भाई, कभी ज़्यादा हो जाता है कभी कम, पता नहीं। एक बार फिर से ट्राई करते हैं। ओके गाइस एक बार पास, काफ़ी ज़्यादा दूर से ट्राई कर रहा हूँ मैं, लेट्स सी इस बार मैं कर पाता हूँ या फिर अगर कर दिया तो। आप लोगों को सिंपल कुछ भी नहीं करना है, बस वीडियो को लाइक कर देना है और कमेंट में ZX 10R OP लिख देना भाई, ये बाइक बिल्कुल बेस्ट है। ओके मैं आ चुका हूँ ऑलमोस्ट, प्लीज ऊपर। अरे यार शिट ब्रो। ओके गाइस एक बार फिर से ट्राई करो भाई, पता नहीं कौन सा तीसरा या फिर चौथी बार ट्राई करो, पता नहीं भाई मैं करके रहूँगा भाई आज तो, कितना भी टाइम क्यों ना लग जाए। पंखा बंद है, पसीना हो रहा है, कोई बात नहीं, लेकिन आज मैं इसी रैंप से जाकर दिखाऊंगा आप लोगों को, आपको एक चैलेंज दूंगा फिर मैं, अगर मैं ये चैलेंज को कम्प्लीट कर लेता हूँ तो चले गाइस। ओके गाइस यार एक बार फिर से मैं ट्राई करूँ, थोड़ा पास में से ट्राई करो, मैं आपको एक चैलेंज देता हूँ, आपको इस वीडियो पर 2000 लाइक्स करने पड़ेंगे अगर मैं इस बार में वहाँ पर चले गया तो। ओके गाइस आपको मेरा चैलेंज ये है कि मेरे को वहाँ तक जाना है, आपका चैलेंज 2000 लाइक करना और सब्सक्राइब भी करने। ओ ये फाइनली गाइस आपका चैलेंज भूलना मत गाइस, सारे के सारे एक साथ लाइक और सब्सक्राइब कर देना। ये हमने कर लिया कलेक्ट एंड चलिए अपना काम हो चुका है डन। नेक्स्ट अब अच्छा शूज़ भी इसके, और ये तो मेरे को पता है भाई ये तो ज़्यादा डिफिकल्ट लोकेशन नहीं है, लेकिन जाने में थोड़ा सा समय ज़रूर लगना। आप जो सामने जो कंटेनर्स देख रहे हो ना घुमावदार कंटेनर, वहाँ तक जाना है। अभी भाई नीचे गिर गया मैं, छोलो कोई बात नहीं, यहाँ से धीरे धीरे नीचे चलते। एंड यहाँ पर अपने को पार्कोर कर लिया भाई डायरेक्ट, वहाँ से मैंने नीचे जंप मार दी, यहाँ पर देख सकते हो आप। एंड यहाँ से नीचे छोटी छोटी जंप, चलिए नो प्रॉब्लम। एंड यहाँ से जंप करके वहाँ मैं आगे जा पाऊँ या फिर नहीं, चलो उस कंटेनर के ऊपर अगर चला गया तो भाई मैं तो प्रो हूँ भाई, लेट्स गो। यहाँ प्लीज़ टिक जाना। ओ रे भाई थोड़ा सा चुक गया, नहीं तो मैं ऑलमोस्ट चला ही गया था।
ओके गाइस आ चुके हैं यहाँ पर। अभी मेरे को घूम घूम कर ऊपर जाना पड़ेगा, वही काफ़ी समय लगने वाला इस प्रोसेस में, लेकिन अभी हम जल्दी से चल जाएंगे क्योंकि ZX ट्रेनर काफ़ी मस्त बाइक है और इसका मतलब रोटेशन मतलब ये जो होती है ना घूमती है, इसका घूमने भी काफ़ी अच्छा मतलब देखो सिर्फ एक ही बार इसका ज़्यादा पीछे लेने की जरूरत नहीं पड़ी इसको, सिर्फ हैंडल घुमा रहे और ये टर्न ले जा रही, मतलब इतने ज़्यादा शॉर्टकट टर्न भी। एंड मैं ऊपर भी आ चुका हूँ यहाँ पर, तो चलिए यहाँ पर देखते अभी अपनी कहाँ पर होने वाले। ये देखो भाई कितने शूज़, देखो इसकी साइज़ भाई, शूज़ पूरे इस कंटेनर पर आ चुके भाई, जियांट तो लिटरली जियांट होने वाला है। लेट्स गो गाइस, अभी मेरा काउंट डाउन शुरू हो रहा, पता नहीं क्या हो रहा है यहाँ पर, ऑलमोस्ट अभी सब कुछ हमने कर दिया। लेट्स सी वेट ब्लैक स्क्रीन, अभी क्या होने वाला है। ओ भाई देख रहे हो फाइनली अभी हम जियांट बन चुके हैं। ईमोट का बटन, अभी देखो भाई हम ईमोट भी कर रहे हैं भाई, ये तो मस्त चीज़ है भाई। डांस देख रहे हो भाई प्लेयर का, खतरनाक भाई, मस्त ठुमके उमके लगा, ये है भाई खतरनाक, ये डांस स्टेप्स कहाँ से सीख ले भाई, एक नंबर। चलो गाइस डांस, अभी हम आगे भी नहीं बढ़ सकते जब तक डांस बंद नहीं करेगा, ये भी अलग ही। चलो गाइस अभी मैं निकल चुका हूँ जोरासी पार्क के अंदर अपनी सुपर पावर्स को टेस्ट करने के लिए। यस गाइस ये इतना ज़्यादा जियांट है एंड इसके सामने का डायनासोर की एक लात रखेंगे, यहाँ पर लात का बटन आप देख रहे हो ना, ये लात का बटन है तो इस पर क्लिक करें, देखते हैं इसकी सुपर पावर क्या है। लेट्स सी गाइस यहाँ पर अभी मैं आ चुका हूँ एंड ये जस्ट मेरे सामने डायनासोर है स्पाइनोसोर, इसके लात रखते हैं खींच कर। चलो भाई ये रखी पॉइंट, अभी कहाँ पर जाकर गिरा भाई, कितना तगड़ा है भाई, स्लो मोशन में देखो कितना ज़्यादा खतरनाक तरीके से गया भाई वो। वेल गाइस खतरनाक ही है। ओके गाइस मज़ा आ चुका भाई, इससे तो हम पूरा वर्ल्ड में कहीं से भी चुटकियों में जा सकते हैं, ऐसे चुटकियों में। तो आप लोगों को चुटकी बजाई हो, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब भी कर देना ऐसी खतरनाक वीडियोज़ के लिए। बाय बाय।